में गए, तो उन्होंने जब वो मंच की ओर पहुंचे थे, जब मंच पर वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने मात्र 4 शब्द ऐसे बोले थे जिसकी वजह से पूरा 7,000 से भरा हुआ सभागार तालियों की गूंज से भर बैठा था। और वो 4 शब्द सिर्फ यही थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ माई अमेरिका, मतलब सभी लोगों को सम्मान देने का काम, ये हमारे देश की संस्कृति है। अगर कोई भी हमारे घर में आता है तो हम आदर सत्कार उसका नमस्कार करके या पैर छू के करते हैं, तो उसी तरीके से पूरी 7,000 की भीड़ का स्वागत, सभी लोग आए थे उनसे पहले, उन्होंने सिर्फ अपना ताकत का प्रदर्शन किया था, मगर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मस्तिष्क का प्रदर्शन करते हुए पूरी सभागार में तालियों की गूंज उठी थी। इसी प्रकार एक किस्सा और है, क्योंकि हम सभी लोगों की परीक्षाएं निकट हैं, तो उस चीज से शायद हमें कहीं ना कहीं सीख लेने को भी मिलेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, रात्रि का समय था, तो एक व्यक्ति वहां पर उनके पास आया और उनके पास आकर उनके पैरों में बैठ गया और काफी तेज रोने लगा। तो स्वामी विवेकानंद जी की आंख खुली, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, मेरे पास आए और एकदम रो रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या? तो बोलता है कि हाँ स्वामी जी, मैं अपने जीवन से बड़ा निराश हूँ, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूँ बट कभी भी सफल नहीं हो पाता अपने जीवन में। तो स्वामी जी बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, तुम थोड़ा ठहरो, और ठहरने के बाद ऐसा है, ये मेरा कुत्ता खोलो, इसको खोलने के बाद तुम जरा इसे घुमा कर लाओ, बस मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसके पश्चात दूंगा। वो व्यक्ति उठा और उठने के बाद वो चला गया, और कुछ समय बाद वो जब वो लौट कर आया था, तब स्वामी विवेकानंद जी एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, और जब उन्होंने अपनी आंख खोली और उन्होंने देखा कि वो कुत्ता काफी हांफ रहा था और जो व्यक्ति था वो काफी साधारण अवस्था में खड़ा हुआ था। तो स्वामी जी ने पूछा कि इतना हाथ क्यों रहा है और तुम एकदम साधारण अवस्था में खड़े हुए, ऐसा क्या घटना घटित हुई कि ये घटना हम सब लोग देख रहे हैं? तो बोलता है कि स्वामी जी, जब मैं इसे टहला रहा था तब कोई चीज इसके सामने, कोई वस्तु अगर इसके सामने आती थी तो ये उसे देखकर भौंकने लगता था, या कभी इधर भाग जाता था, कभी दाएं भाग जाता, कभी बाएं भाग जाता, मतलब सीधे नहीं चल रहा था। और जब मैं आ रहा था तो मैं अपने मार्ग पर सीधे चलता आ रहा था। तो उन्होंने बोला था, ये तुम्हारी हार का कारण यही है कि जब तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने होती है मगर तुम अपनी सफलता को नहीं देखते हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और तुम्हें भटका देता है कि तुम पर ये नहीं हो पाएगा। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप लोगों में से कोई IAS बनना चाह रहा होगा, कोई IPS बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, मगर आपको डिमोटिव करने वाले, नकारात्मक करने वाले भी लोग आपको मिलते होंगे, जो बोलते होंगे कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। साधारण तौर पर मिलते, कोई नहीं चाहता कि तू आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से वो बोलते थे कि अगर तुमको भटकाने वाले लोग मिलते हैं तो तुम उनकी बातों में आ जाते हो और भटक जाते हो, और सफलता तुम्हारे सामने ही होती है, तुम सीधे चलने की बजाय इधर उधर भटकने लगते हो, ये तुम्हारा मुख्य कारण है असफलता का। ये इसी प्रकार से हम लोगों को भटकाने वाले बहुत मिलेंगे हमारे रास्ते पे, मगर हमें भटकना नहीं है, और स्वामी विवेकानंद जी से हमें कई सारी सीख लेनी है, क्योंकि समय एक थोड़ा है मेरे पास, ठंड भी ज्यादा है, आप लोगों को परेशानी भी हो रही ग्राउंड में खड़े होने से, तो मैं ज्यादा अपना भाषण लंबा नहीं दूंगा, थोड़ा सा ही दूंगा, बट हाँ हम लोगों को ज्यादा इतना निवेदन जरूर करूंगा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर हमें उनके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, और उससे उनके जीवन से सीख लेकर हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आगे के लिए मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि आगे की विद्यालय की संरचना के लिए सर आए।